हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीताला मुगल, वी आर बैक इन अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी भाई उठ चुके हैं, टाइम 7 बज रहे हैं, तो अभी हम करते हैं नाश्ता और नाश्ता करने के बाद इन ड्राइव पे निकलेंगे। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो चलें अभी करते हैं नाश्ता, तो मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। सुबह 8 बजे से राइड देख रहा था मैं, तो अभी जाके राइड मिली है 10:28 पे। तो चलें इनको पिक करते हैं और निकलते हैं। ये है 1.5 किलोमीटर 6 मिनट, यहाँ से डिस्टेंस है 12 किलोमीटर 23 मिनट। चलो तला ब्रो। तो राइड को मैंने ड्रॉप किया है 11:05 पे। तो अभी हम नेक्स्ट राइड देखते हैं हमें कब मिलती है और कहाँ की मिलती है। तो कल मैं काम पे नहीं जा सका था, कल तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, इस वजह से निकला नहीं हूँ। तो आज निकला हूँ, आज भी 8 बजे से राइड देख रहा था, 10:30 बजे राइड जाके मिली है, काफ़ी लेट मिली है। तो आज देखते हैं हमारा आज का दिन कैसे रहता है, तो जो भी होगा आपके साथ प्रॉपर शेयर करेंगे। तभी मैं गुलरेज 2 में खड़ा हूँ। अभी मुझे राइड मिली है, जुडिशियल कॉलोनी जाना है 11:14 पे। तो चेक कर लेते हैं ये हमसे दूर कितना है, 2.1 किलोमीटर 5 मिनट। तला ब्रो लेट्स गो। ये है जी बैरियर टाउन 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ से अंदर से हमने राइड को पिक करना है और फिर हमने जुडिशियल कॉलोनी जाना है। की डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ, यहाँ से डिस्टेंस चेक करते हैं, 8.1 किलोमीटर 17 मिनट और टाइम हो रहा है 11:19। तो अभी मुझे राइड मिली है, गुलरेज जाना है जी गेट 2 के पास, अभी वहीं से आया हूँ, फिर वहीं जाना है जी, और टाइम हो रहा है 12:01। तो चल इनको पिक करते हैं और निकलते हैं। 2.8 किलोमीटर 5 मिनट ओके। तो यहाँ से 11 किलोमीटर 24 मिनट। राइड को मैंने ड्रॉप किया है 12:33 पे। तो अभी हम नेक्स्ट राइड देखते हैं हमें कब मिलती है और कहाँ की मिलती है। ये राइड मिली है DHA 2 के लिए, गुलरेज से पिक करनी है और टाइम हो रहा है 12:51। तो चलें इनको पिक करते हैं और DHA 2 निकलते हैं। ये हमसे दूर कितना है, 1.1 किलोमीटर 4 मिनट। ये है जी कार चौक, ये कार लटकी भी ऐसे कहते हैं जी कार चौक। इधर से हमने राइट होना है जी गुलरेज के रोड, चेक कर लें आप। यहाँ से हमने स्ट्रीट नंबर 3 में जाना है। से डिस्टेंस देख लेते हैं जी, 11 किलोमीटर 22 मिनट। राइड को मैंने यहाँ ड्रॉप किया है और ये सामने ही मस्जिद है। तो चलते हैं अभी नमाज पढ़ते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 1:23। तो नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद कोई राइड देखते हैं। अच्छा, तो नमाज मैंने पढ़ ली है और टाइम हो रहा है 1:48। तो अभी हम देखते हैं राइड, जैसी कोई मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अभी राइड मुझे मिली है सोहान की और टाइम हो रहा है 2:31। तो चलें ये हमसे दूर की राइड कैंसिल हो गई है, ओ माय गॉडनेस। अच्छा, तो अभी गुलरेज की राइड मिली है, तो ये चेक कर लेते हैं हमसे दूर कितना है, 2.1 किलोमीटर 6 मिनट और टाइम हो रहा है 2:54। अभी राइड मिली है काफ़ी देर वेट करने के बाद। राइड को मैंने ड्रॉप किया है 3:30 पे। तो अभी हम नेक्स्ट राइड देखते हैं यहाँ से हमें कब मिलती है और कहाँ की। अभी मुझे राइड मिली है, अभी राइड मिली थी मैंने, आई एम हेयर कर दिया लाइक सीरियसली। अच्छा, ये मेरे से 800 मीटर दूर है, चलिए इनको जल्दी से पिक करते हैं। अच्छा, तो डिस्टेंस इनका है 7.5 किलोमीटर 16 मिनट। राइड को मैंने ड्रॉप किया है 4:25 पे। तो अभी हम नेक्स्ट राइड देखते हैं यहाँ से। अच्छा, तो आज जो है ना काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या सीन है। सुबह भी राइड लेट मिल रही थी, तो अभी भी राइडें लेट ही मिल रही हैं, और देखें क्या होता है। तो ये तो काम चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही यार, पता नहीं क्या मसला है। सुकून चाहता हूँ, सुकून सुकून कैसे मिलेगा। मिली है मुझे अभी E11 की फेज 7 से ही 4:34 पे। तो ये हमसे दूर कितना है, 2 किलोमीटर 3 मिनट। चलो, ये है जी बैरियर टाउन फेज 7। तो अभी मैं जा रहा हूँ राइड को पिक करने, उनको पिक करते हैं और फिर निकलते हैं E11 की तरफ।
यहाँ से 40 किलोमीटर 1 आवर 1 मिनट और टाइम हो रहा 4:39। अच्छा तो इधर से जो है ना बैरियर टाउन से कपड़े लेके जा रहा हूँ मैं तो E11 में ये ड्रॉप करने हैं, तो ये पीछे पड़े हैं कपड़े तो चलें अभी अली E11 चलते हैं, एक घंटा लगेगा हमें। बैरियर टाउन से हम निकल रहे हैं, ये चेक करें आप, चेक करें और ये चेक करें, सीन्स ही सीन्स है, बस बंदा देखने वाला हो सीन्स बहुत है। तो अभी मैं DH1 से पहले ही राइट हो जाऊंगा और ये बाईपास इन्होंने बनाया हुआ है, VIP बाईपास है, यहाँ से आप शॉर्टकट निकल जाते हैं तंदूरी रेस्टोरेंट। तो यहाँ से हमने फुल मंडते हुए जाना है, ब्रेक नहीं लगानी। अच्छा तो वो जो ड्रेस है मैंने ड्रॉप कर दी है और टाइम हो रहा है 6:01, तो अभी हम नेक्स्ट राइड देखते हैं हमें कहाँ की मिलती है। चेक कीजिएगा आप बस कैप्टन, ओ माय गुडनेस, अभी चेक कीजिएगा, ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 चेक कर रहे हैं आप। काफ़ी देर वेट करने के बाद अभी इधर से राइड मिली है और टाइम हो रहा है 7:23। काफ़ी वेट करना पड़ा है, इनको लेके जाना 13 किलोमीटर है 22 मिनट। ओह माय गुडनेस, राइड को मैंने ड्रॉप किया है 7:47 पे और अभी नेक्स्ट राइड मिल गई है, वाह। सो वहाँ पे जाने इन्हें, चलें 7:47। डिस्टेंस चेक कर लेते हैं जी कितना दूर है, 6.9 किलोमीटर 11 मिनट और टाइम 7:50। अच्छा तो आज पेट्रोल डला है 2100, आज मेरी गाड़ी चली है 153 किलोमीटर, तो इसको हम कर देते हैं 0 और टोटल अभी तक गाड़ी कितनी चल चुकी है जी 5188 किलोमीटर। ड्राइव पे जो मेरी आज की अर्निंग हुई है 5770 रुपीज़। अच्छा तो आज मेरी इन ड्राइव की जो अर्निंग हुई है 5770 रुपीज़, इसमें से हम माइनस करेंगे इन ड्राइव का कमीशन 580 रुपीज़ और इसमें से हम माइनस करेंगे पेट्रोल 2100 और इसमें से हम माइनस करेंगे 500 गाड़ी की मेंटेनेंस। तो आज हमारा प्रॉफिट हुआ है 2590 रुपीज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन हमारा अच्छा रहा। अच्छा तो एवरीवन मैं घर आ गया हूँ, तो आज का दिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, काम थोड़ा सा स्लो था बट फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कल मेरी आ गई मरी की बुकिंग, तो सुबह इंशाल्लाह जाना है और शाम में वापस आना है, तो देखते हैं कि कल क्या सीन होने वाला है। तो ओके गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।